स्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के वैज्ञानिक युग में भूत प्रेत पर तो कोई भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन अब भी पूरी दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां के रहस्य अनसुलझे हुए हैं। विज्ञान के पास इन रहस्यों के कोई जवाब नहीं है। आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का नहीं बल्कि भूत प्रेत का वास है। भारत में भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं भारत की उन 10 रहस्यमयी जगहों के बारे में जहाँ पर असाधारण गतिविधियों को देखा जा सकता है। इन जगहों को भूतहा जगह भी कहा जाता है। यहाँ आकर आपको कुछ कुछ डरावनी सी हॉरर फीलिंग भी आएगी। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ किला। इसे भारत के सबसे कुख्यात भूतहा जिले के रूप में जाना जाता है। भानगढ़ का किला अपने आप में रहस्यों को समाये हुए है। इसे 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माना जाता है कि इस महल में आत्माओं का वास है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू कर दिया था और तब से ही भानगढ़ किला भूतिया किला हो गया। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं रहती हैं। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो अपने आप चटक कर टूट जाती हैं। असम में जतिंगा घाटी बहुत सुंदर और मनोरम दृश्यों वाली है, लेकिन सितंबर के महीने में हर अमावस्या की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मर जाते हैं। ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं लौटते। इन पक्षियों के यहाँ आकर मरने के पीछे क्या कारण है, आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। लेकिन हर साल ऐसी घटना होती तो है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भूतों को सिर्फ खंडहर ही रास आते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको रामोजी फिल्म सिटी के बारे में भी जानना चाहिए। रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूतों का निवास माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फिल्म सिटी निजाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहां कई प्रकार की सजा देने वाली गतिविधियां हुई थी। यहां कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने का आभास होता है। हर कोई यहाँ के बारे में जानता है। इस इलाके में एक 2 मंजिला बंगला है जिसमें कई प्रेतात्माएं रहती हैं। इस इमारत में अक्सर 4 लोगों को बैठकर ड्रिंक करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को अक्सर यह नज़ारा देखने को मिलता है। कई बार लोगों ने यह भी देखा है कि लाल ड्रेस में कोई लड़की भी घर से बाहर निकलती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में कई प्रकार की रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनने को मिलता है। जो गार्ड यहाँ रात में ड्यूटी करते हैं, वह आपको कई प्रकार की ऐसी घटनाएं सुना सकते हैं। जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफ़ी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि सुबह जब लाइब्रेरी खोलिए तो हर दिन काफ़ी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। यह किला महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किला है, जिसकी दीवारें रहस्यमयी गाथाओं से भरी हुई हैं। कहा जाता है कि एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों के द्वारा दीवारों के अंदर पटक कर मार डाला गया था। तब से आज तक राजकुमार की आत्मा
वहाँ हर पूर्णिमा को मौत का बदला लेने आती है। इस डर से इस किले में कोई भी सूर्यास्त के बाद नहीं जाता है। आपको सुनकर अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। सूरत के डूमस तट को डरावना स्थान माना जाता है। इस तट पर बहुत पहले हिंदुओं के द्वारा लाशों को दफन करने के लिए उपयोग में लाया जाता था, इसलिए यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। आप इस तट पर आकर फुसफुसाहट की आवाज़ सुन सकते हैं, जबकि आपके आसपास कोई नहीं होगा। गोवा के स्थानीय लोगों का मानना है कि कैंसुलिम चर्च में भी भूत रहते हैं। कहा जाता है इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में दो राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी। इस स्थान के बारे में 1800 ईस्वी में स्थानीय लोगों को पता चला कि यह रहस्यमय और बेकार है, इसलिए इस जगह को लोगों ने छोड़ दिया। कहते हैं यहाँ रुकने पर व्यक्ति गायब हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ है। एक बार एक मंत्री गांव की सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो मंत्री ने उनका लगान दोगुना कर दिया, जिससे गाँव वालों ने वह जगह ही छोड़ दी और तब से यहाँ कोई नहीं रहता। जो भी रहता है वह मर जाता है। कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर वैसे तो कई सारी टनल पड़ती हैं, लेकिन उनमें सबसे खास और खौफनाक टनल नंबर 33 है। कहा जाता है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने टनल के ठीक सामने आत्महत्या कर ली थी। लोगों का कहना है कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई आत्माएं रहती हैं। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ औरत की आत्मा को भी टहलते हुए देखा है। तो मित्रों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।